हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेरोकर के प्रिडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रिडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बने रहे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले वेस्ट इंडीज और श्रीलंका के बीच में चल रहा T20 सीरीज, जो कि श्रीलंका ने 3 मैच में से 2 मैच जीत के आ रही है। अगर पहले मैच में बात किया जाए जहाँ पर श्रीलंका को हार मिली थी, वहीं पर श्रीलंका ने जबरदस्त तरीके से कमबैक करते हुए बाकी दोनों मैच में जीत हासिल की। अब इसके बाद दोनों के बीच में 3 मैच की ODI सीरीज जो कि स्टार्ट हो रही है। तो चलिए बात करते हैं पहले ODI मैच की। यह मैच 20 अक्टूबर को डम्बुला के पेलिकल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच दोपहर के 2 बजे से स्टार्ट होगा। जहाँ पर अगर ODI फॉर्मेट में बात करें तो यहाँ पर श्रीलंका का पलड़ा वैसे भी भारी नजर आ रहा है। यह मैच ऐसे काफ़ी दिलचस्प और काफ़ी रोमांचक भी होने वाली है। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर बेस्ट क्रिकेट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस मैच सेशन अपडेट चाहिए तो हमें स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। तो आगे बात करते हैं, चलते हैं इनका वेदर रिपोर्ट देखते हैं। जहाँ पे मैच के दिन मौसम लगभग क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी 75% रहेगा, तो वहीं टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं कि पिच एनालिसिस करते हैं। जहाँ पे पहले खेल का विकेट यानी मेन रूप से पेसर के लिए ही है, यहाँ पे पेसर को ज़्यादा हेल्प मिलती है, स्पिनर को यहाँ पे कम हेल्प है। रिकॉर्ड के भी देखो तो पता चलता है बैटिंग में पिच इजी होगी, यहाँ पे ड्यू फैक्टर भी इफेक्टिव होंगे। अब बात करते हैं कि विनिंग परसेंटेज देख लेते हैं, जो कि बैटिंग फर्स्ट का यहाँ पे 28% जीतने का चांस है, तो ही बॉलिंग फर्स्ट का यहाँ पे 30% जीतने का चांस है। अब अगर बात करते हैं इनका स्कोर देखते हैं, यहाँ फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर 249 है, तो वहीं पे सेकंड इनिंग एवरेज स्कोर 203 है। तो दोस्तों अगर बात करते हैं दोनों टीमों का हेड टू हेड भी देख लेते हैं लास्ट 3 मैच के अकॉर्डिंग। जहाँ पे वेस्ट इंडीज 4 मैच जीत के आ रही है, तो वहीं पर श्रीलंका 6 मैच जीत के आ रही है। तो दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, यानी पहली टीम वेस्ट इंडीज का शॉर्ट एनालिसिस करेंगे। पिछले कुछ वक्त से ODI क्रिकेट में टीम स्ट्रगल कर रही है। लास्ट ईयर क्या की बात क्या है, जो कि वर्ल्ड कप टीम में भी खेल नहीं पाई, अब टीम रिबिल्डिंग के प्रोसेस में हुई। वेस्ट इंडीज ने पहले मैच में मिली जीत के बाद अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया और बाकी दोनों गेम हार गए। और खैर अब बात यह है ODI फॉर्मेट की। ODI में जो कि सायोग जो कि टीम के कप्तान बने हुए, ओपनिंग में हमको ब्रैंडन किंग और एवन लेविस की जोड़ी मिल सकती है। नंबर 3 पर जो कि सायोग उतरेंगे, किसी काटी को भी स्क्वाड में जगह मिल सकती है। 17 साल के बाद जॉयल एंड्रयू डिब्यूट कर सकते हैं। लो ऑर्डर में रोस्टन चेज, सरफेन रदरफोर्ड और रोमारियो सैफेट जो कि मैच को फिनिश करेंगे। जहाँ पर जैडन सील्स टीम के 3rd पेसर होंगे। स्पिन बॉलिंग में गुडाकेश मोटिया ने हिडन वॉल्स खेल सकते हैं। अब बात करते हैं वेस्ट इंडीज का प्लेइंग 11 देख लेते हैं, जो कि ब्रैंडन किंग है, एवन लेविस है, सायोग पे रोस्टन चेज, किसी काटी है, रोमारियो सैफेट है, सरफेन रदरफोर्ड है, हिडन वॉल्स है, अल्जारी जोसेफ है, गुडाकेश मोटिया है, समर जोसेफ है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए, जो कि रोमारियो सैफेट है, सायोग पे ब्रैंडन किंग है। अब अगर बात करते हैं दूसरी टीम यानी श्रीलंका का शॉर्ट एनालिसिस करेंगे। T20 सीरीज जीतने के बाद टीम का कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया। जहाँ पे सनातन जयसूर्या कोच बनने के बाद पिछले कुछ महीनों में टीम का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा। सबसे पहले टीम ने भारतीय टीम को 27 साल बाद ODI सीरीज में हराया। टीम अगले साल होने वाली चैंपियन ट्रॉफी में भी क्वालिफाई नहीं कर पाई, जो कि श्रीलंका यहाँ पे टीम के कप्तान बने हुए। ओपनिंग में बात किया जाए जो कि प्रथम निशंका विस्का फर्नांडो खेल सकते हैं। नंबर 3 पर जो कि कुशल मेंडिस खेल सकते हैं। मिडिल ऑर्डर में सदीरा समर विकम्मा और चरित श्रीलंका। लो ऑर्डर में जहाँ पे जनित लियांगे और दिनित वेलग जो कि मौका मिल सकता है। फॉर्म को देखते हुए यहाँ पे कमिनी मेंडिस को भी जगह मिल सकती है। फास्ट बॉलर में अगर बात किया जाए जो कि मथीसा पथिराना, नुआन प्रदीप जो कि पावर प्ले में बॉलिंग करेंगे। स्पिन अटैक में आपको महेश थिसना और वनेदी संगा है। जहाँ पे दिनित वेलग जो टीम के लिए ट्रंप कार्ड हो सकते हैं। अब बात करते हैं श्रीलंका का प्लेइंग 11 देख लेते हैं, क्योंकि प्रथम निशंका इसका फर्नांडो, कुशल मेंडिस है, कमिंडू मेंडिस है, चरित श्रीलंका, सदीरा समर विकम्मा, जनित लियांगे, नुआन प्रदीप है, वनेदी संगा, महेश थिसना और दिनित वेलग है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए जो कि कुशल मेंडिस है, प्रथम निशंका और कमिंडू मेंडिस है। तो फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज़ पे डिस्कशन कर ली, तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं प्रिडिक्शन एंड कंक्लूजन करते हैं। जहाँ पे T20 के हार के बाद वेस्ट इंडीज टीम को इस सीरीज में जीतना चाहिए, क्योंकि टीम की बैटिंग लाइनअप में देर थे लेकिन प्लेयर यहाँ पे कंडीशन में शूट नहीं कर पा रहे, जो कि श्रीलंका के बॉलर इस कंडीशन में इफेक्टिव होंगे। श्रीलंका अगर 250 से ज़्यादा रन बना लेती है तो उसके बॉलर मैच को निकाल सकते हैं। अगर दोनों टीम की परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर वेस्ट इंडीज आगे चल रही है, बट यहाँ पे मैच विनर की बात किया जाए तो मैच विनर हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे श्रीलंका होगा। ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो को हमारे चैनल के साथ बने रहे, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि हमारे वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के।